सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरब्यार में गणतंत्र दिवस व वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और स्कूल की साल भर की गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया। सुजानपुर विधानसभा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरब्यार में गणतंत्र दिवस व वार्षिक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के द्वारा मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी, स्कूल की साल भर की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत करवाया गया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत के सभी अतिथियों व अभिभावकों का मन जीत लिया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति देश की आन बान व शान भारत देश के वीर जवानों को याद करते हुए नृत्य व नाटक द्वारा सभी अभिभावकों और बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम अंतिम चरण में पूर्व मुख्यमंत्री ने भाषण द्वारा बच्चों अध्यापकों और अभिभावकों को संबोधन किया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के साथ में होने पर मुख्यमंत्री धूमल कुछ क्षणों के लिए भावुक हुए और भावुक होते ही उन्होंने हिमाचल के वीर शहीदों को याद किया। उन्होंने सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, सुधीर बालिया की गौरव गाथा बच्चों को सुनाई और सभी से आह्वान किया और कहा कि आओ मिलकर संविधान के नाम पर देश को हानि पहुंचा रहे लोगों को आईना दिखाएं। भाषण के दौरान धूमल ने बच्चों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों को कहा कि स्कूली शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है, इसलिए आप सभी का दायित्व और जिम्मेदारी इस समय और अधिक बढ़ जाती है। और स्कूली शिक्षा से ही समय होता है कि जिसमें बच्चे अपना भविष्य उसकी दिशा को निर्धारित करते हैं और आगे चलकर उन्हें पूरा करते हैं। संबोधन के उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने बच्चों को वार्षिक वितरित किए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।